कि यदि इन बच्चों ने हमको मार दिया तो आप इनकी छोड़िए, फिर हमको पूरा राज्य इनाम में मिल जाएगा। ऐसी बात करते हो, मरने के बाद राज कैसे मिलेगा? मिलेगा कैसे? वो ऐसे, ये सब लोग कहते हैं कि ये छोटा सा बच्चा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है, भगवान है, मतलब हाँ भगवान है। ओहो, अगर और ये भी बात है, जो इनके हाथ से मरता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। लेकिन हमको तो विश्वास नहीं है। आप नहीं मानते ना? अरे तो हम आपको मना देते हैं, सबसे पूछवा देते हैं। पूछवाइए, अभी पूछवाते हैं। हाँ भाई, सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ बाबा, ना रहे आ रहे, सब लोग सत्य बताना, सही सही हाथ उठा के बताना, क्या ये लड़का भगवान है? है, है। जोर से बोलो, हाँ है। भगवान के हाथ से मरने के बाद आदमी सीधा स्वर्ग जाता है? जाता है। अरे जोर से बोलो, जाता है। तो आओ पहले तुम लड़के मर के स्वर्ग जाओ, हम पीछे लड़ेंगे। अरे भाई, ये लोग लड़कर स्वर्ग नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो कृष्ण जी के दर्शन करके भक्ति करके स्वर्ग जाएंगे। ये बहुत कुछ भोग कर आएंगे, हमको तो अभी पहुंचाइए। पाप नहीं किया है उन्होंने, हमने नहीं किया है। आओ धोने को घर बैठे करना।
मिटेगा। मैं झूठे घंट संभालूंगा इस काल रूपी छाती पर खूनी लिखते लिखूंगा। हे कृष्ण मेरे जब अत्याचार करे तो मेरे ही कारण तुम्हें सबकी तुम पर आए और आज देख मैं जीते जी तेरे परम धाम को जा रहा हूं। और भगवान हंस के ऊपर तीन लोक का भजन लेकर के कूद गए और कंस का प्राणांत हो गया। बोले कंस निकंदन भगवान की। और इस प्रकार भगवान ने मथुरापुरी से पाप को मिटाकर धर्म की स्थापना की। इस प्रकार मथुरा में धर्म की स्थापना हुई, उसी प्रकार आपके सिरसिया पुखरिया में भी धर्म की स्थापना हो, यज्ञ भगवान का आशीर्वाद हो और आप सब लोग फले फूले, आपके हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े, यही मध्यवासियों की मंगल कामना है। और आप इसी प्रकार धर्म के कार्य करते रहे। अब आप सभी खड़े ही हो गए हैं, भगवान की आरती करके जाएंगे। वैसे अभी कुंभकर्ण महाराज को राज और दिया जाना था, थोड़ा सा प्रसंग रह गया, पर कोई बात नहीं, अब आप खड़े हो गए हैं, भगवान की आरती करके जाएंगे। Yeah.